Good morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do chapter number 6, which is Children's Day. Okay. Children's Day is celebrated on 14th November. Okay. This is the birth date of Pandit Jawaharlal Nehru, who was very fond of children. वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए 14th November जो उनका birth date है उसको चिल्ड्रन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, बिफोर यू स्टार्ट आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल सोन बिलो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स की फोटो दिखे दी हुई हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल है. जैसे इसमें ये परेड वगैरह की फोटो दिख रही है, तो ये आपका कौन सा है, झंडा रोहण हुआ है, तो ये आपका कौन सा डे हो जाएगा, ये आपका 15th अगस्त हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंस डे. 15th अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो ये इंडिपेंडेंस डे की फोटो है. ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट वाले में. फिर सेकंड क्या है, सेकंड में बच्चे ये लोग दिए जला रहे हैं, ठीक है, और क्रैकर्स की फोटो है ऊपर में दिख रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दिवाली. ओके, फिर थर्ड पिक्चर किसकी है, थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं सब लोग रंगों के साथ खेल रहे हैं, तो ये कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, ये आपका होली हो जाएगा, HOLI होली आप लिख देंगे. फिर फोर्थ पिक्चर, यहाँ पे एक मॉस की फोटो है और बहुत सारे लोग हैं, तो ये किसकी पिक्चर हो जाएगी, ये ईद की फोटो, ईद की पिक्चर है, तो यहाँ आप लिख देंगे EID ईद. यहाँ पे देखो क्रिसमस कैप लगा रखे लोगों ने, तो ये आपकी किसकी फोटो हो जाएगी, क्रिसमस डे की, यहाँ आप क्रिसमस डे लिख दीजिएगा. अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, साहिल सागर एंड शिक्षा गॉट ऑफ देयर स्कूल बस एक्साइटेडली. ओके, साहिल सागर एंड शिक्षा वो क्या किए, वो लोग अपने बस से उतरे, गॉट ऑफ देयर स्कूल बस, बहुत ही एक्साइटमेंट में, बहुत ही उत्सुकतापूर्ण तरीके से वो लोग अपने बस से उतरे, एक्साइटेडली. ओके, इट वॉज चिल्ड्रंस डे. कौन सा दिन था आज, इट वॉज चिल्ड्रंस डे था. आई वंडर वाट सरप्राइज अवर टीचर हैव फॉर अस टूडे, सेड साहिल. तो ये तीनों जो फ्रेंड्स थे कौन कौन से, साहिल सागर एंड शिक्षा, तो उसमें से साहिल ने क्या बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारे टीचर ने हमारे लिए सरप्राइज होगा टीचर के पास चिल्ड्रंस डे पे. ठीक है, टूडे मिसिज गौर, हाँ उनकी टीचर का नाम था मिसिज गौर. ओके, अवर क्लास टीचर टोल्ड अस दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम वी कुड हैव अ क्लास पार्टी. तो हमारे टीचर ने क्या कहा था कि आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम, जो कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे उसके बाद क्लास में एक पार्टी की जाएगी, क्लास पार्टी होगी. मदर हैज गिवन मी अ स्पेशल टिफिन, स्पोक शिक्षा. तो शिक्षा ने क्या कहा कि जो मेरी मदर है, मेरी माँ ने मुझे एक स्पेशल टिफिन बनाया, कुछ स्पेशल टिफिन में पैक किया है मेरी मदर ने आज के दिन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पेंटिंग कंपटीशन इन क्लास. ठीक है, आई विल ट्राई टू विन दिस ईयर, लुक एट माई न्यू पेंट बॉक्स एंड ब्रशेज पाइप्ड इन सागर हैप्पीली. ठीक है, तो उसके बाद एक बच्चे ने क्या बोला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पेंटिंग कंपटीशन इन क्लास. मैं तो आज जो पेंटिंग का कंपटीशन होगा क्लास में, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसका मतलब उसके इंतजारी कर रहा हूँ. आई विल ट्राई टू विन दिस ईयर, मैं इस बार जीतने की कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई टू विन दिस ईयर, लुक एट माई न्यू पेंट बॉक्स एंड ब्रशेज, मेरे नए पेंट बॉक्स को और जो ब्रश है उनको देखो.
पाइप्ड इन सागर हैप्पली, पाइप्ड इन मतलब बीच में, फिर सागर भी बोला बीच में आते हुए। द थ्री फ्रेंड्स वेव्ड एट अदर फ्रेंड्स एज दे मेड देयर वे टू देयर क्लासरूम। उसके बाद उन वो जो तीन फ्रेंड थे, उन्होंने बाकी जो बस में तो अब और भी बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, तो बाकी सबको वेव किया, हाथ हिला के सबको वो किए वेव किया और अपने क्लासरूम की तरफ चले गए। हैप्पी चैटर कुड बी हर्ड एवरीवेयर एज चिल्ड्रन टुक देयर स्कूल बैग ऑफ देयर सोल्जर्स। हैप्पी चैटर मतलब जैसे बच्चे बहुत खुश थे, तो आपस में जब बात कर रहे थे तो उसी को कहा है हैप्पी चैटर। ठीक है, हर जगह एक्साइटमेंट था, जो आपस में जो बात कर रहे थे तो उसमें पूरा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। क्यों एक्साइटमेंट था? क्योंकि आज प्रोग्राम्स होने थे, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट हो रहा था स्कूल में। ठीक है, तो इसलिए जितने भी चिल्ड्रन थे वो सब बहुत एक्साइटेड थे। एज चिल्ड्रन टुक देयर स्कूल बैग ऑफ देयर सोल्जर सून द स्कूल बेल रैंग इन शॉर्ट लाउड क्लैंग्स दैट बिकम लाउडर एंड लाउडर टिल इट स्टॉप्ड। उसके बाद जो थी स्कूल बेल जो थी वो रिंग भी कैसे टिंग 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 फिर और बड़ी बड़ी इस तरह से होती गई जो आवाज़ थी स्कूल बेल की। ठीक है, सून द स्कूल बेल रैंग इन शॉर्ट लाउड क्लैंग्स दैट बिकम लाउडर एंड लाउडर टिल इट स्टॉप्ड। फिर कैसी ट्रिंग 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 जो स्कूल बेल थी वो कैसे बजी, एक बार पहले धीमे बजी, फिर और तेज, फिर तेज, फिर लाउडर हो, अब आखिर तक लाउडर वो होती गई। इट वॉज टाइम फॉर अ स्पेशल असेंबली। चिल्ड्रन लाइंड अप इन देयर क्लासेस एंड प्रिपेयर टू गो टू द ऑडिटोरियम। तो आज क्या था, क्योंकि चिल्ड्रन डे था तो एक स्पेशल असेंबली होनी थी, जो नॉर्मल जो डेली असेंबली होती है उस टाइप, कुछ आज कुछ चेंज होना था असेंबली में। चिल्ड्रन उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने चिल्ड्रन ने प्रिपेयर किया कहाँ जाने के लिए, ऑडिटोरियम में जाने के लिए। देयर टीचर्स हैड प्रिपेयर्ड एन आवर लॉन्ग कल्चरल शो। उनकी टीचर्स ने क्या किया था, एक आवर लॉन्ग एक एक पूरे घंटे का प्रोग्राम उन्होंने फिक्स मतलब बना रखे थे टीचर्स ने प्रोग्राम करने के लिए, कल्चरल शो फॉर देम। किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो टीचर थी, उन्होंने प्रोग्राम अपने बना रखे थे 1 घंटे के लिए। एवरीवन वांटेड टू सी देयर टीचर्स ऑन स्टेज। और सभी जो क्लास के जो बच्चे होते थे वो सभी क्या चाहते थे, अपने टीचर्स को, अपने अपने क्लास के टीचर्स को स्टेज पे देखने के लिए देखना चाह रहे थे। ओह लुक डेट इज मिसिज चोपड़ा, आई थिंक सी विल डांस। एक बच्चे ने वो कहा, अरे वो देखो वो मिसिज चोपड़ा है, आई थिंक सी विल डांस, मुझे लगता है आज वो डांस करेंगी। ठीक है, सी इज वीरिंग अ ब्यूटिफुल साड़ी सेड आर चिल्ड्रन। एक दूसरे चिल्ड्रन ने क्या कहा कि उन्होंने आज एक बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी है, सेड आर चिल्ड्रन, एक बच्चे ने बोला। डिड यू सी मिसिज शर्मा एक्सक्लेम्ड अनदर। एक दूसरे बच्चे ने पूछा कि तुमने मिसिज शर्मा को देखा। द चिल्ड्रन लाव्ड एंड क्लैप्ड एज दे वॉच देयर टीचर्स परफॉर्म फॉर देम। उसके बाद चिल्ड्रन ने क्या किया, खूब खूब खुश हुए और काफ़ी क्लैपिंग की, जैसे वन बाय वन करके टीचर्स ने कुछ ना कुछ एक्टिव कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दी बच्चों के सामने। ठीक है, बैक इन देयर क्लासेस दे टुक पार्ट इन अ पेंटिंग कंपटीशन। उसके बाद जब वो लोग वापस अपनी क्लास में गए तो उन्होंने किस किस चीज़ में पार्ट लिया, एक पेंटिंग कंपटीशन में। सागर पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड इन हर मदर्स आर्म। सागर ने क्या किया, जो सागर जो शुरू में जिस बच्चे का नाम आया था, जो अपने फ्रेंड के साथ आया था स्कूल बस से, उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई एक बच्चे की अपनी माँ के हाथों में। ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट टीचर। उसने उस पेंटिंग का क्या नाम दिया, माई फर्स्ट टीचर, मेरी पहली
टीचर या मेरी पहली गुरु, ठीक है, ही वन द फर्स्ट प्राइज, सागर को फर्स्ट प्राइज मिला उस पेंटिंग के लिए। ऑन द वे बैक होम इन द बस ही प्राउडली हेल्ड आउट हिज प्राइज टू साहिल एंड शिक्षा। उसके बाद जब वो लोग घर जा रहे थे बस में, तो उसने वो अपना प्राइज प्राउडली बहुत ही गर्व से शिक्षा और साहिल को दिखाया। सी आई वन दिस मामा, मम्मा विल बी सो हैप्पी ही सेड। उसने क्या कहा, देखो ये मैंने प्राइज जीता और मम्मा जो है मेरी वो बहुत खुश होंगी। नवंबर 14th ईच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे इन इंडिया। ठीक है, नवंबर 14 क्या है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन डे की तरह भारत में। इट इज द बर्थडे ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका बर्थ डेट है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन एंड सॉ इंडियाज फ्यूचर इन देम। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो चिल्ड्रन को बहुत प्यार करते थे और उन बच्चों में ही भारत का भविष्य देखते थे। ठीक है, चिल्ड्रन काइंडली रिमेम्बर हिम एज चाचा नेहरू। और चिल्ड्रन उनको उनको कैसे याद करते थे, चाचा नेहरू कह करके, चाचा मीनिंग अंकल। ठीक है, पेरेंट्स एंड टीचर अक्रॉस द कंट्री ट्राई टू मेक दिस डे मेमोरेबल फॉर द चिल्ड्रन। और पूरे भारत भर में, हमारे पूरे देश में जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, ये 14 नवंबर वाले डे को बहुत ही याद, मेमोरेबल मतलब यादगार, बच्चों के लिए बहुत ही यादगार बनाने की कोशिश करते हैं जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपके यहाँ पे ओवर हो गया। उसके बाद कुछ जो वर्ड्स आए थे, जैसे ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का क्या मीनिंग होता है, स्पेशल हॉल विथ ए स्टेज। जो बड़े बड़े आप स्कूल में जब जाओगे तो उसमें बहुत बड़ा सा एक हॉल होता है जिसमें प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ऑडिटोरियम। ठीक है, फॉन्डली, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, जैसे अभी आया था ना, तो या फिर चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। तो फॉन्डली मतलब लविंगली, प्यार से। एक्सक्लेम क्राई आउट ऑफ सडन सरप्राइज। एक्सक्लेम मतलब एकाएक कुछ किसी चीज से सरप्राइज होकर एकाएक बोलना। ठीक है, एक्सक्लेम क्राई आउट ऑफ सडन सरप्राइज। तो ये आपके वर्ड मीनिंग थे। उसके बाद बेटा इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, वो हम आपको भेज देंगे, तो वो उन उन वर्ड्स को आप लोग अपने कॉपी में कीजिएगा और साथ में डिक्शनरी से उनका मीनिंग देखिएगा और लर्न कीजिएगा। ठीक है, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को अपने कॉपी में कीजिएगा, ये सब तो आपको करना ही रहेगा, साथ में अभी हम न्यू वर्ड्स भी कुछ जो इस चैप्टर में होंगे वो हम देंगे, और आपको क्या करना है, उनके मीनिंग आपको डिक्शनरी से ढूंढ करके रफ में लर्न करने हैं। ठीक है, और उन वर्ड्स की स्पेलिंग भी लर्न करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज सागर्स पेंटिंग कॉल्ड। सागर की पेंटिंग को क्या नाम दिया था उसने, व्हाट वाज, क्या कहा था। तो इसका हमने आंसर यहाँ लिखा है, सागर पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड इन हर मदर्स आर्म्स, ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट टीचर। ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज हैपनिंग इन साहिल स्कूल फॉर चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे पे साहिल के स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी, क्या क्या हो रहा था। तो इसका आंसर हमने लिखा है, टीचर्स हैड प्रिपेयर्ड एन आवर लॉन्ग कल्चरल शो फॉर चिल्ड्रन ऑन चिल्ड्रन डे। उस दिन क्या किया था कि टीचर्स ने 1 घंटे का पूरा एक कल्चरल प्रोग्राम रखा था बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डू पेरेंट्स एंड टीचर अक्रॉस द कंट्री ट्राई टू मेक चिल्ड्रन डे मेमोरेबल। तो पूरे भारत, हमारे देश में टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो कैसे चिल्ड्रन डे को मेमोरेबल, यादगार बनाना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखो बेटा ये हो जाएगा, टीचर्स ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन
in school while parents prepare special tiffin to make children day memorable for children. तो टीचर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, और पेरेंट्स क्या करते हैं, वो खूब अच्छा अच्छा टिफ़िन खाना बना करके बच्चों को देते हैं. ठीक है, इस तरीके से वो लोग चिल्ड्रन डे को मेमोरेबल बना देते हैं, यादगार बना देते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे. बी एक्सरसाइज क्या है, चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. इसमें से जो आपको जो वर्ड सही हैं, ये आपके चैप्टर में से ही है, तो जो सा ऑप्शन सही है वो आपको इसमें लिखना है. तो इसमें फर्स्ट है, चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th अगस्त या 14th नवंबर. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि चिल्ड्रन डे पंडित नेहरू की बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वो कौन सा डे है, 14th नवंबर. तो चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर यहाँ पे आप लिख देंगे. फिर सेकंड है, मदर गेव शिक्षा अ स्पेशल बैग या टिफिन. तो शिक्षा की मदर ने उसे क्या दिया था, एक स्पेशल टिफिन दिया था या स्पेशल बैग दिया था, तो स्पेशल टिफिन हो जाएगा इसका आंसर. फिर थर्ड क्या है, सागर वन डैश प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन. सागर को कौन सा प्राइज मिला था, थर्ड प्राइज मिला था कि फर्स्ट प्राइज मिला था. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि सागर को फर्स्ट प्राइज मिला था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट, सागर वन फर्स्ट प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन. फिर क्या है, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है. तो अगर सही होंगे तो ट्रू पे टिक कर दीजिएगा, अगर गलत होंगे तो फॉल्स पे टिक कर दीजिएगा. तो फर्स्ट है इसमें आपका, शिक्षा वन द फर्स्ट प्राइज इन द पेंटिंग कंपटीशन. जो शिक्षा उसे फर्स्ट प्राइज मिला था, तो ये बात तो सही नहीं है. फर्स्ट प्राइज किसे मिला था, सागर को मिला था, तो यहाँ पे आप फॉल्स पे टिक कर देंगे. फिर सेकेंड है, टीचर्स हैड प्रिपेयर्ड एन आवर लॉन्ग कल्चरल शो फॉर चिल्ड्रन. कि टीचर्स ने एक घंटे का कल्चरल शो ऑर्गेनाइज किया था चिल्ड्रन के लिए, तो ये बात सही है, तो आप ट्रू पे टिक कर दीजिएगा. फिर थर्ड है, नरेंद्र मोदी वाज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ये बात गलत है. पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंट, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉल्स पे टिक कर देंगे. ये नरेंद्र मोदी जी तो इस समय के हमारे प्रधानमंत्री हैं. ठीक है, उसके बाद डी एक्सरसाइज आती है. इसमें क्या है, रीड दीज वर्ड्स अलाउड. बेटा देखिए, ये जो वर्ड्स हैं ये सब आपके चैप्टर में आए हैं. ठीक है, और इनकी आपको, इनको आपको प्रोनाउन मतलब इसको आपको रीड भी करना है, उसके बाद आपको इसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है, साथ में डिक्शनरी से इनके मीनिंग भी देखने हैं. ओके, तो फर्स्ट है एक्साइटेडली, फिर सेकंड है कंपटीशन, थर्ड है आपका कल्चरल, फोर्थ है लाफ्ट, फिफ्थ है एक्सक्लेम्ड, फिर ऑडिटोरियम, देन असेंबली, देन मेमोरेबल. ठीक है, तो इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा और इनके मीनिंग भी देखिएगा. एक्साइटेडली आपका क्या हो जाता है, बहुत उत्सुक हो जाना. ठीक है, हिंदी में से कहते हैं वो एक्साइटेडली होता है. कंपटीशन कि जिसमें भी आप कम्पीट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग जब किसी चीज़ के लिए वो करते हैं, कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से रेस लेते हैं, होड़ लगाते हैं, तो वही कंपटीशन कहलाता है. थर्ड है कल्चरल, कल्चरल जिसे कहते हैं हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं हमारे. ठीक है, लाफ लाफ मालूम ही आपको, हंसना. फिर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत ही एक्साइटेडली बताना कुछ बात. ठीक है, फिर ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम एक जो बड़ा सा हॉल होता है, बीच में एक स्टेज होता है. ठीक है, फिर असेंबली, असेंबली जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं. फिर मेमोरेबल आपका यादगार. ठीक है, इनके आप डिक्शनरी से मीनिंग देखिएगा, और ये वर्ड्स, ये न्यू वर्ड्स है, ये अभी हम लिख भी देंगे, इनको आप लोग कॉपी में करके इनकी स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा. फिर हमारी ये आते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज है. इसमें क्या करना है, जेंडर के ऊपर है. ठीक है, जेंडर तो आपने पढ़े ही हैं, जेंडर कौन कौन से, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. ओके, इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, नाउन्स दैट रिफर टू मेल्स
belong to the masculine gender, noun that refer to the females belong to the feminine gender. ठीक है, जो मेल को रिफर करता है उसे, इसमें दो ही जेंडर अभी बताए जा रहे हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन. जो मेल्स को रिफर करता है वो मस्कुलाइन जेंडर होता है, जो फीमेल को के बारे में बताता है वो फेमिनाइन जेंडर होता है, फीमेल को जो बिलोंग करता है वो फेमिनाइन जेंडर होता है. ठीक है, जैसे मस्कुलाइन में कौन एग्जाम्पल हो गया, फादर सर, और फेमिनाइन में कौन सी एग्जाम्पल हो गया, मदर मैडम. In some cases, by just adding an ESS, we can form the feminine gender. कुछ केसेस में क्या हमको केवल ना, जैसे पोएट लिखा तो उसके आगे बस हम ESS लगा देते हैं कुछ वर्ड्स में, तो वो अपने फेमिनाइन वाले उसमें आ जाते हैं. जैसे पोएट, पोएट जैसे कोई मेल होगा तो उसे हम लोग पोएट कहेंगे, और अगर कोई फीमेल पोएट होगी तो उसको हम क्या बोल लेंगे, पोएटस. ठीक है, ऐसे ही होस्ट, होस्ट को क्या बोल देते हैं हम, होस्टेस, ई डबल एस लगा देते हैं होस्टेस. फिर वेटर, ठीक है, वेटर का फीमेल, ये वेटर आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या, ई डबल एस लगा देंगे वेटर में तो क्या हो जाएगा, वेटरस. ठीक है, फिर लॉयन, लॉयन आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है, और इसी में जब हम ई डबल एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉयनस. ठीक है, सेरनी, और लॉयन आपका क्या हो जाता है, सेर. फिर ई एक्सरसाइज आती है, Rewrite each sentence changing the gender of nouns. Make the necessary changes. इसमें क्या करना है, आपको कुछ sentence दिए हुए हैं, इसमें जो भी जहाँ पे आपका masculine gender आ रहा है या feminine gender आ रहा है उसको आपको चेंज कर देना है. ठीक है, masculine आ रहा हो तो feminine gender में, feminine आ रहा हो तो masculine gender में. जैसे फर्स्ट है, the actress was wearing a beautiful dress. तो इसमें एक्ट्रेस, एक्ट्रेस को आप क्या कर देंगे, एक्टर. ठीक है, द एक्टर वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, एक्ट्रेस की जगह आप एक्टर लिख देंगे. सेकेंड है, द बॉय इज माई नेफ्यू, तो इसमें बॉय की जगह आप क्या कर देंगे, गर्ल, और नेफ्यू की जगह क्या कर देंगे, नीस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल इज माई नीस. फिर थर्ड है इसमें, क्योंकि आपको जेंडर चेंज करना है सब में. फिर थर्ड है आपका, My uncle lives in Mumbai with his son. तो इसमें दो नाउन आ रहे हैं, एक अंकल एक सन. इस मुंबई तो खैर प्लेस का नाम है तो उससे कोई मतलब नहीं, तो इसको आप चेंज करेंगे तो माई अंकल की जगह आप कर देंगे माई आंट लिव्स इन मुंबई विथ हिज सन, की जगह क्या कर देंगे, विथ हिज सन की जगह कर देंगे विथ हर डॉटर. ठीक है, इसमें हिज भी बेटा चेंज हो जाएगा, हिज की जगह हर आ जाएगा. ठीक है बेटा, हिज की जगह आप हर लिख दीजिएगा, माई आंट लिव्स इन मुंबई विथ हर डॉटर. फिर है आपकी एफ एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, अरेंज द वर्ड्स इन ईच ग्रुप टू मेक सेंटेंस. इसमें आपको वर्ड्स जो हैं वो ऐसे आगे पीछे के लिख दिए गए हैं, आपको उनको सही करके लिखना है. Excuse me. तो इसमें फर्स्ट है, द ओपन द डोर कुक, तो इसका आपको जवाब, सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर देंगे, द कुक ओपन द डोर, जो कुक ने डोर को ओपन किया, द कुक ओपन द डोर. फिर इसमें सेकंड है, सेल्फ रैन द ही अलोंग, तो इसको आप कर देंगे ही रैन अलोंग द सेल्फ, ही रैन अलोंग द सेल्फ, सेल्फ के किनारे किनारे वो दौड़ा. फिर थर्ड है इसमें, फूड ओन सो सिंपल वाज, तो इसमें आप कर दीजिएगा ओन ओन फूड वाज सो सिंपल, ओन फूड वाज सो सिंपल. ठीक है, इसमें आपको ने सेंटेंस को आपको प्रॉपर करके, जो आगे पीछे थे उनको आपको प्रॉपर करके अरेंज करना था. अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज पे. जी में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, आपको इन बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं उनको आपको इससे फिल करना है.
ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हैं, फॉर, ऑन, इन, ऑफ, ये सब आपने पढ़े ही हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो आई लेफ्ट माई पेन, कहाँ पे लेफ्ट कर दिया, तो आप क्या हो जाएगा इसमें, इन, इन स्कूल, स्कूल में छोड़, मैंने अपना पेन छोड़ दिया, आई लेफ्ट माई पेन इन स्कूल, यहाँ पे इन आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड, ही वॉज पनिश्ड डैश कमिंग लेट टू स्कूल, वो क्यों पनिश हुआ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, FOR, फॉर, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। फिर थर्ड है, माई बुक इज डैश द टेबल, तो मेरी बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर होगी ना, तो उसका क्या हो जाएगा, इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। फिर फोर्थ है, आई एम टायर्ड डैश लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, तो आई एम टायर्ड ऑफ, यहाँ क्या जाएगा, ऑफ लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, मैं एक ही सॉन्ग को बार बार सुन के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, ये सब आपके प्रपोजिशन है। ठीक है, अब आपकी एच एक्सरसाइज आती है, इसमें क्या करना है, राइट 5 सेंटेंस ऑन पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं किसके ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर। तो हमने यहाँ पे बेटा लिखे हैं, पंडित नेहरू वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, वो थे महात्मा गांधी थे, इन सब लोगों ने मिलके क्या हमारे देश को आजाद करवाया था। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिख दिया, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले वही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, पंडित नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रेन, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, हिज बर्थडे 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रेन डे, और उनका जो जन्मदिन होता है 14 नवंबर, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज चिल्ड्रेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है, चिल्ड्रेन यूज टू कॉल हिम चाचा नेहरू, जो बच्चे थे वो उनको प्यार से क्या बुलाते थे, चाचा नेहरू। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है, ही रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जब उनको जेल, जो वो अंग्रेजों में, जब यहाँ पे अंग्रेजों का रूल था, ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने जब उनको जेल में डाला था, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, तो ही रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, जब वो जेल में बंद थे तब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी। ये 5 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई एक्सरसाइज, डू समथिंग सिमिलर फॉर योर टीचर्स, फॉर योर टीचर ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे पे, जैसे जैसे टीचर्स ने चिल्ड्रन डे पे प्रोग्राम किया, ठीक है, बच्चों को खूब मतलब वो पार्टी करी, कंपटीशन करवाया, प्रतियोगिता करवाई, वैसे ही आप भी कुछ टीचर्स के लिए कीजिए, कौन से दिन में, टीचर्स डे पे। ठीक है, तो टीचर्स डे आपका कब होता है, टीचर्स डे अभी हमारा अभी गया है, कौन सा दिन होता है, 5th सितंबर। ठीक है, 5th सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, और उस दिन क्या हुआ था बेटा, 5th सितंबर को इस दिन जो हमारे सेकंड राष्ट्र, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट वो थे, उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका बर्थडे पे हम लोग, उनका बर्थडे कब था, 5th ऑफ सितंबर, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के रूप में। ठीक है, तो जैसे टीचर ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया, बच्चों के लिए प्रोग्राम किया, वैसे आप भी कुछ टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज कीजिए। तो इसको आप एक काम कीजिएगा, इसमें कुछ जो ये आई, ये वाली आपकी एक्सरसाइज है आई, उसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखिएगा कि आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं टीचर्स के लिए, जो आप सोच, मतलब जो आप करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आप एक रफ में ऐसे बनाइएगा पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर, तो अभी हम कुछ ये बेटा आप अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा, फिर हम कुछ वर्ड्स भी लिख दे रहे हैं, न्यू वर्ड्स, उनको भी आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बेटा।
बाय, टेक केयर।